नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है। आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था, मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे, और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊँ तो लोगों से क्या बोलूँ? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है। मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना, ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो सातवें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है? अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी, अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं, मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ, क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी, खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर, अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आग गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू कहाँ है तेरी सास, बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ, वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती, हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं।
माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जींस के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जींस, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़ कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहाँ तो वहाँ की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझा कर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी।